सुन लो। उस समय तो उन तक गुरबाणी के कीर्तन का और विचारों का लाभ उठाया है। थोड़ा समा जो पेरिंदा है उसनों भी सफला करो, शब्द बोलिया करो, तीन हिस्सों में बोलने की खेचल करो। पहले दास बोलिया करो, फिर सब भाई बोलो, तीसरे पासे सब बीबियां गज बज के बोलिया करो। शरण करो दरबारे स्वामी, शरण करो दरबारे, शरण करो दरबारे, अपने ख्यालों
बारह रोकन की खेचल करो, पूरा ध्यान शब्द और विचार वाल होवे। बचपन तो बाद जो अगली अवस्था आती है उसनु अच्छी बनाने वास्ते अच्छिया अच्छिया पढ़ाइया एजुकेशन हासिल करता है और सियाणा पुरुष अच्छे अच्छे गुण प्राप्त करता है ताकि आने वाली जिंदगी सुखदाई अच्छी तो शानदार होवे। उस तो बाद युवा अवस्था आती है, उस अवस्था दे विच खेती पत्ती नौकरी चाकरी वण व्यापार आदि अच्छे अच्छे कर्तव्य करता है, धन कमाउण की कोशिश करता है ताकि पिछली उम्र विच जदों शरीर निर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कुछ करन दे योग नहीं रह जाता, बैठ के समा सुख नाल गुजरेगा। तो उस तो बाद समझदा कुछ नहीं, पर जदों औहद पूरी हुंदी है इस तो बाद भी कोई जीवन है, मरत तो बाद भी कोई जीवन है, जिस जीवन में सहेला सुखदाई करने वास्ते या सवारन वास्ते आम लोग तो नहीं जानते, पर सानू गुरु जी शिक्षा देंदे हैं। जेड़े प्रेमी जो गुरमुख गुरु शरण विच आके इत्थे अपनी जिंदगी विच गुरमत अनुसार नाम दान इशनान सतकर्मा का मजमूआ इकट्ठा करते हैं, वो अगली जिंदगी जिसनू परलोक कहते हैं, आपवद कहते हैं, अगली दुनिया कहते हैं, वो दे विच वसना सौखा है, उन्हें शानदार बना लेंदा है। इस वास्ते ही हजूर गुरु अर्जन देव महाराज सानू यह शिक्षा देंदे है। इहां खाट चलो हर नहाया गे
बिनंती, सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला, इहां खाट चलो हर लाहा आगे वसन सुहेला। ए दुनिया विच जिन्नी देर तक शरीर विच प्राण चलते हैं, परमेश्वर दे नाम दा लाहा खटो, अगे अगली दुनिया उहदे विच वसना सौखा हो जाएगा। बल्कि मौजूदा समा जिहड़ा है भजन करन वाला पुरश, इस विच भी आम दुनिया नालों लोगों के नालों लखां करोड़ां गुणा ज़्यादा सुख की जिंदगी बसर करता है। भगत कबीर एक आदर्शक गृहस्थी सी, भगत नामदेव अपनी किरत करन वाला प्रभु का भगत संत सेवी सी, शैन रवदास आदि ये प्रभु दे अनेक भगत हुए हैं। भावें उपरली अवस्था बैरूनी हालत देख के लोग इन्हां नूं गरीब मनते होंगे, पर जिहड़ी मानसिक अवस्था सी उस वक्त के बादशाहां दे नालों लखां करोड़ां गुणा ज़्यादा सुख की जिंदगी इन्हां बसर की, परम शांत परम आनंद विच इन्हां जिंदगी गुजारी, जिस आनंद जो अनुभवी किया जा सकता है उसनू जबान नाल खोल के दसिया नहीं जा सकता। सतगुरु नानक देव महाराज अज संसार का उद्धार करते करते अयोध्या शहर तो बाहर बैठे हैं, मरदाना रवाब बजा रहा है, हजूर संसार दे मना दी अवस्था नू अनुभव करते हुए संसार दे मन यूं जलदे बलदे सड़दे हैं, मैं पठ विच दाणा पुजदा हुंदा है। उन्हां दी शांति वास्ते जिथे आप जी ने सारे संसार विच फिर के नाम रूपी ठंडा जल बख्शिया, उथ निरंकार दे चरणा विच यूं अरदास भी कीती, मरदाना रबाब जा रहा है, आप अरदास रूपी शब्द उच्चारण करते हैं। वाहिगुरु जगत जलंदा रख, we'll be right back.
रख लै अपनी कृपा तहार जित द्वारे उभरै तिते लियो उबार। सतगुर सुख खा लिया सतगुर शब्द विचार हरबिन कोई न बिसे नानक कोई न सूझे हरबिन बख्शन हार। क्यों गुरु बाबा जी ने बार बार अलाप के शब्द का उच्चारण किया मरदाने ने रवाब बजाया संसार दे मना दी हालत बाबा देखे ध्यान थर जलती सब पृथ्वी दिस आई। बाबा संसार दी मानसिक हालत नू अंदरों निगाह मार के वेखदा है सारे संसार दे मानियों छड़दे बलदे जलदे नजर आ रहे हैं मैं पठ जी दाणा पुजदा है। यूं एक दफा गुरु अंगद देव दूसरे पातशाह महाराज की हजूरी विच कुछ सिखा ने अरदास की गरीब नवाज मन हर वक्त ही जलदा बलदा सड़दा रहिंदा इसका कोई उपा इसका कोई जतन इसका कोई शांत करन दा तरीका। गुरु जी ने दृष्टांत दे के फरमान कीता एक बण है उस बण विच बहुत किस्म दे जानवर रहिंदे हन उस दे नज़दीक एक ठंडे जल्दी नदी वगदी है उस बण नू चार चफेरियों अग लग जांदी है जितने जंगली जानवर हन सब उस अग नाल सड़ सड़ के भुज भुज के लू हो के बिचे मरते हैं। कोई कोई पुरशार्थी जानवर उस सड़दी बढ़ती अग विचों छाला मार के नज़दीक ही जो कि ठंडे जल्दी नदी वगदी है उस चुभियां लगाउंदा है वो शांत प्राप्त करता है बाकी तो सारे ही उस अग विच सड़के लू हो के दुखी हो के मर जाते हैं। इसी तरह संसार एक बण है इस दे विच जितने आदमी मानो बनते जंगली जानवर हैं इसनू काम क्रोध अहंकार भी अग लगी हुई है जिस करके मन जलदे बलदे सड़दे नजर आते हैं। पेंदे ते सड़दे ने अग्नि दियां
हंस हेत को फलो चारे नदियां अग पवैंद जय नानका तरिए करमी लग काम कर लो ए अग दियां नदियां ए मन नू साड़ दियां हन बारों पावे ए प्रतीत नहीं हुंदियां लेकिन मन नू साड़न वालियां हन ए जिहड़े इन्हां विच पैंदे हन ਉਹ ਸੜਦੇ ਹਨ ਸੋ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਤ੍ਰਿਣ ਸਭ ਜਾਲੇ ਕੋਈ ਹਰਿਓ ਬੂਟ ਰਿਹੋ ਰੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਸਾੜ ਛੱਡੇ ਹਨ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਟਹਿਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਮਕਾਨਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਅੱਛੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਆਦਿ ਹੋਰ ਭੋਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਆਦਿ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜੀਆਂ ਹਨ ਅੰਦਰੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੁਭਾਵ ਹਨ ਈਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਔਰ ਰਾਗ ਦੁਆਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਸੁਭਾਵ ਹੋਣ ਰਾਗ ਦੁਆਸ਼ ਨਾ ਰਾਗ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ ਦੁਆਸ਼ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਵੇ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਜ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਸੁਭਾਵ ਹੋਣ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਆਸ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੋ ਐਸ਼ਵਰਜ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ ਐਸ਼ਵਰਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਐਸ਼ਵਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਉਂ ਪੁੱਜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਠ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਣ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਮਾਨੋ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਕਾਮ ਕੋ ਲੋਮ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਲੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਜਾਨਵਰ ਯਾਨੀ ਇਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਰਨਾ ਸਭ ਹੀ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਲੂ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਸੜਦੇ ਨੇ ਅਗਨੀ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀ ਮਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਪਲੋ ਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਯੁੱਧਿਆਪੁਰੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ, ਜਿਸਨੇ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਤਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਸੋ ਅਖੀਰ ਇਤਨੇ ਕਸ਼ਟ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਵਰ ਲੈ ਲਿਆ,
मैं सारी अयोध्या प्रीत समेत स्वर्ग नू जावा। सो उस मौके सारी अयोध्या प्रीत नू स्वर्ग नू लै गया सी। दूसरी दफा श्री रामचंद्र जी विष्णु दा अवतार, राजे दशरथ दे पुत्र, ये अयोध्या दे राजा सन। ये भी अयोध्या प्रीत नू बैकुंठ नू लै गए। हाँ, राम कथा जुग जुग अटल, सबको पाक्त नेत, सुर्गवा सर्ग बरकरा सगरी पुरी समेत, ऐसे कथन आउंदा। इयों दो दफा स्वर्ग और बैकुंठ नु जा चुके राजा हरिचंद। सतयुग दे वेले होया, भाई साहब भाई गुरदास इसका सारा हाल थोड़े अखरों विचों लिखते हैं। सुखराज हरिचंद कर नास तारा लोचन राणी, साध संगत मिल गाम दे, राती जाय सुने गुरबाणी। पिछों राजा जागया, अद्धी रात निखंड विहानी, राणी दिसन आवई, मन विच वरत गई हैरानी। होर तां राती उठ के चलिया पिछे तल जवानी, राणी पौती संगती, राजे खड़ी खड़ाओ निशानी। मेर साध संगत आराध्या, जोड़ी जुड़ी खड़ाओ पुराणी। राजे डिठा चलत ए खड़ाम है चोज विडाणी, साध संगत विटों कुरबाणी। यानी ये सारा हाल इसका भाई गुरदास जो गुरु कर वेद व्यास बने हैं उन्होंने लिखिया है। जिदा पावे राजा हरिचंद जिस वक्त राजगद्दी ते बैठा, उस मौके किसी धर्म का ज्ञान नहीं सी, धर्म की सूझबूझ नहीं सी, बल्कि इस तो उल्ट रस्ते चल रहा सी। धर्म दे रस्ते चलन वालियां नूं एक किस्म का टिकाउन समझदा हुंदा, पर देवनेत नाल पूर्वले संस्कारां करके इसकी शादी राणी तारा नाल होई, जिस नूं बचपन तो ही अपनी माता की संगत करके सत्संग करन दा और भजन का सुभाव पै चुका सी। इन्हें जिसका जीवन सत्संगमई और भजनमई बन चुकया सी, ये उसनू अमल पै चुकया सी। उसकी शादी राजे हरिचंद नाल होई, पर जिस वक्त राणी तारा ने आके वेख्या, राजे दे ख्यालात नास्तक, धर्म तो उल्ट, कितनू बड़ा दुख होया। ओहो, आश्चर्य बात है, सारी जिंदगी का साथी एहो जा मिलिया जिदे ख्यालात में तो बिल्कुल ही उल्ट, ये तो नरकमई जिंदगी है। तो इस नाल तां बहुत अच्छी मन्नी है सतपुरशां ने, सियाणे पुरशां ने, यह कोई जिंदगी है जिहड़ी सत्संग भजन तो बिना है, भावें राज भाग ही क्यों ना प्राप्त हो। सो सोचिया राणी तारा ने, अच्छा जो होना सी संजोग हो गया, पर कोशिश इसनों सुधारन दी कीती जाएगी। मैं अपना सारा ताण लगावांगी ताकि राजा धर्मात्मा बन जाए। अगर राजा धर्मात्मा बन गया, प्रजा खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी, जैसा राजा तसा प्रजा। तो यूं करके राणी तारा नूं यह पता लगा कि राजा वैसे जाहरा तौर पर तो सत्संग के खिलाफ है, पर इत्थे शहर दे विच इक थां जिहड़े सत्संगी पुरश जिन्हां जीवन भजन ते सत्संग है, वह अपनी रूहानी खुराक हासिल करन वास्ते सवेरे सवेरे इक थां इकट्ठे हुंदे ने सत्संग विच, हरी जस करके अपनी रूहानी खुराक हासिल करके तारियां दी छां छां दे विच वह अपने घरीं चले जाते हैं। इस गल का इस राणी तारा नूं पता लग गया। इस दी बाबत ही भाई गुरदास जी दस दिन सुखराज हरिचंद, नारस तारा लोचन राणी, साध संग मिल गाम दे, राती जाए सुने गुरबाणी। इसने भी
क्योंकि राजा का ख्याल तो अजे परमात्मा नहीं सी। उस तो चोरी सत्संग जाना शुरू कर दिता। प्यारे जी रानी राजे सत्संग जाना शुरू कर दिता। नेरे नेरे समाप्ति हो जाती। सारे प्रेमी रूहानी खुराक हासिल करके नेरे नेरे अपने घरी आ जाते। राणी तारा ने भी सुखते चुप चुपाते इनान करना, शरीर की शुद्धि तो बिना भजनी नानक नाम खुदाया का मन छे मुख ले। या एक गोली नू नाल लेना और सत्संग विच पहुंचना, मन चित लगा के सत्संग करना और अंधेरे अंधेरे तारें दी छां छां विच ही अपने घर आ जाना। राजा नू इस गल दा कुछ पता नहीं। कुछ समय गुजरिया, एक दिन दा जिक्र, राणी जदों सत्संग नू चली गई, पिछों कुदरती राजा नूं जाग आउंदी है। राजा ने देखिया राणी अपने बिस्तर उपर नहीं है, गैर हाजर है। मन विच कई किस्म दे शक शकूक पैने शुरू होए, जो कि है जे समय अक्सर इन्हां लोगां दे दिलां विच पैंदे हैं। राजा ने सोचिया किधर गई, किवें गई, क्यों इह जे
कई किस्म के दिल विच ख्याल लिया के सोचा भी अज चुप रहो, कल इस गल का अच्छी तरह भेद कढ़िया जाएगा। उस दिन तो इं समा गुजारिया चुप रहा, दूसरी रात राजा होशियार रहा, सुता नहीं, नींद नहीं आई, यही सोचता रहा इस गल का भेत लेना है। राणी इस वक्त पहरात सवा पहरात में इनान आदि करके छुपाते कु गोली नू नाल लेके सत्संग वाल नू चल पई। राजा पहले ही जागदा सी, पहले समय के राजे वीर यात्रा करते होंगे। वीर यात्रा वो होंगी जो खुफिया पुलिस करती है, गरीबाना लिबास पहन के प्रजा दे विच फिरना, प्रजा की खबर लेनी, दुखी सुखी भी सार पुछनी, जे कोई दुखी देखना उदा दुख दूर करन दी कोशिश करनी, सुखी देखना तां खुश होना। क्यों तदे ही न्याय हो सकता सी जदों ऐसी सार अपनी प्रजा की रखी जाए। सो यूं राजा झट ही गरीबां नाल लिबास पहन के पिछे चल पैंदा ताकि मैनू ये पछाण ना सकन। आहिस्ता आहिस्ता राणी अपनी गोली दे समेत सत्संग जिथे हरि कीर्तन हो रहा है अपने इष्ट देव दे अगे, सारे प्रेमी बैठे हैं, एक पासे भाई लोग बैठे हैं, एक तरफ माई लोग बैठे हैं, सिद्ध एक रस सब दियाँ सुरतां सब दे ख्याल टिके हैं। समाधिष्ट अवस्था विच हरि कीर्तन का आनंद माण रहे हैं, यानी समाधि भी चित बिरती नोदा समाधि। यूँ राणी भी अपने इष्टदेव नू प्रभु नू नमस्कार करके माई लोगों विच बैठ गई, पिछे उसकी गोली बैठ गई, जुते सब बाहर ला के आते होंगे हैं। उस दिन राणी वो जुत्ता पहन के आई सी, दो जुते एक राणी नू एक राजा नू कोई प्रेमी खास तौर पर सुगात के तौर पर बनवा के लिया सी। वो जुत्ता सी राजा ने पहचान लिया, ये देख के भी आई तो बड़े चंगे थां है पर मेरी इजाजत तो बिना क्यों। इं ओदे चित विच कुछ रंज होर सारे कई किस्म के ऐसे वैसे शक शकूकता दूर हो गए। राजा ने अंदर झाती मारी कि शक्ल विच प्रेमी बैठे सन, बोलता कोई नहीं सी, रौले का नाम निशान नहीं सी, किसी वल कोई तकदा नहीं सी, एक रस सीधे कमर विच किसी दे विंग नहीं है, बिरतियां टिकियां हरी जस विच जुड़ियां, समाध अवस्था विच जिसनू कहिंदे हन उस अवस्था दे विच बैठे हरि कीर्तन का आनंद माण रहे हन। इउं दसदे हन सो रस सोई जाने सहज समाध
नाद लगी है पीतर, सो रस सोई जाने जियो। समाध चित दियां चार बिरतियां हैं, राशी बिरति, तामसी बिरति, शांत की बिरति, ब्रह्माकार बिरति। इन्हां दा वेरवा किवें है? राशी बिरति जदों मन दे विच स्त्री पुत्र धन जायदाद दुनियावी पदार्थों के ख्याल उठते रहते हैं, इनकी प्राप्ति आदि यतन, सो इन्हां विच ही मन परचिया रहिंदा है, इन्हां ख्यालों की कल्पना करता रहिंदा है, इसनूं राशि बिरति कहिंदे हन। जिज्ञासु ने यह भी त्यागनी। दूसरी तामसी बिरति है जदों मन दे विच क्रोध, ईरखा, चिंता इह जे फुरने उठते रहिंदे हन, इहनूं तमोगुणी बिरति या तामसी बिरति कहा जाता है। तां प्रतक्ष ही दुख रूप है, जिदे चित विच इह जे ख्यालात उठण उत्थे शांति का नाम निशान कीता। तीसरी बिरति है शांत की बिरति या सतोगुणी बिरति, उहदे विच वैराग, एकाग्रता और शांति होया करती है। दुनिया के ब्रह्मलोक तक के पदार्थ उन्होंने असत जड़ दुख रूप जान के उन्होंने बिरति उची करनी, इनू वैराग कहते हैं। एकाग्रता भजन के मन का अस्थित होना, एकाग्र होना, लिवलीन होना, सो इस लिवलीन होन करके मन अवश्य शांत होया करता है। मन के राशी तामसी बिरतियां जदों ना उठन, बाणी विच मन लग्या है, कीर्तन विच मन लग्या है, सिमरन विच मन लग्या है, इस तरीके से जदों मन सतोगुणी बिरति जदों इस नूं प्राप्त है, यह सतोगुणी बिरति कहलाउंदी है, सुख स्वरूप है। इस तो अगे चौथी बिरति ब्रह्माकार बिरति है। इउं करदे 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 जदों ब्रह्म ज्ञान की अवस्था आउंदी है, उस मौके तत् ज्ञान वासना है मनोनाश का अभ्यास करके बिरती ब्रह्माकार होंगी है। अखीर बिरती बिरती बना ही छड़ जाती है, बिरतहीन अवस्था आ जाती है जिसका प्रकाशक केवल आत्मा है। सो यूं करके ये बिरती जिज्ञासु नूं पहले रजोतम बिरतियां दूर करना है, सतोगुण बिरती प्रधान करना है, उसके आसरे फिर ब्रह्माकार बिरती आउंदी हुंदी है। इत्थे जदों सत्संग विच बैठ के मन हरी कीर्तन विच जुड़िया है और सारे संकल्प छड़े हैं, बिरति यानी हरी जस विच लीन है, उस मौके यह जी अवस्था होंदी है, शरीर की दिशा भी भुली होंदी है, नेड़े तेड़े जो कुछ हुंदा है वह भी भुलिया हुंदा है, संसार भी भुलिया हुंदा है, दुनिया के दुख सुख सब भुले हुंदे हैं। केवल बिरति जड़ी है हरी जस विच लग के शांत रूप होया करती है। यह समाध रूप अवस्था इसनों कथन किया है। सारे प्रेमियों सह समाध लगी है पीतर, सो रस सोई जाने जियो। जिसनों यह अवस्था प्राप्त होवे वही जान सकता है गूंगे की मिठाई वाली हालत है। गूंगे नूं मिठाई खवाओ, पुछो, दसण नूं जवान नहीं। इसी तरह इस अवस्था नूं जवान करके इसी तरीके से दस्या नहीं जा सकता, कथन नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। इस वास्ते ही गुरु जी ने ऐसा फरमान किया।
तो लगा जिसके बड़ भागा, मैला कदे न होवे ना लागे दागा, पर पाया सुख दाया मिलिया सुख पाए, सह समाना पीतरे छोड़िया ना जाए, सो जाने जिन चाख्या हर नाम अमोला, कीमत कही न जाइया क्या कह मुख बोला, हरस का तू चाखे साध, चाख तो होए रहे विस्माद, हरस की कीमत कही न जाए, हरस साधु हाट समाए, इस आनंद नु वही जानदा जो इसनु प्राप्त करे, यूं सारी संगत सत विच बैठी अपने प्रभु की हजूरी विच सतुगुणी बिरतियां शांत बिरतियां हैं, सह समाध दे विच आनंद माण रहे हैं। राजा ने अंदर झाती मारी, वो सतुगुणी का असर क्योंकि परमाणु विच भी असर होया करता है, सो उहदा असर राजा दे मन दे उपर भी पए बिना रह ना सकिया, उहदे मन उपर भी सतुगुणी का असर पिया। है सोचिया राणी आई तो चंगे थां, पर मेरी आग्या तो बिना। खैर ये जान के उसने उसके जुते नूं पहचाणिया भी फलां शख्स लिया सी एक पांग जुते दी उठा ली, उठा के रुमाल विच लपेट के लिया के राजा तो उत्थे मुड़िया आ अपने खास थां किते लुको के रख दिता। इस बहाने पुछया जाएगा। जदों इधर समाप्ति हुई हरि कीर्तन दी अरदास तो बाद सारी संगत अपने अपने जुते पहनन लगी। अज पहला दिन है, राणी का जुता गैर हाजर है, गुम है, भावें उहदे विच बहुत कीमती हीरे आदि जड़े हुए सन, तो इन्हां गल्लां दी परवाह तो कोई नहीं सी। राणी नूं इस गल का ख्याल जरूर सी, अगर राजा ने इस जुते दे बहाने मैनू सत्संग तो रोक दिता, मैं तो उसका सुधार करना चाहनी हाँ, उल्टा मैनू भी नुकसान ना पहुँचेगी, बेहतर है सत्संग विचों चारे पदार्थ मिलते हैं। ताते सारे प्रेमियों ने इकट्ठे करके राणी ने फिर उस कमरे विच अपने प्रभु की हजूरी विच एकत्र करके प्रार्थना की थी, सत्संग इस बहाने ऐसा ना हो मेरा सत्संग जाता रहे, मेरा जीवन ही बर्बाद हो गए, मैं तो राजा के सुधार की कोशिश कर रही हाँ, मेरा जुत्ता गुम हो गया, वो जुत्ता खास है, खास जुत्ते वल ज्यादा ध्यान है, अगर मैं तो पूछ के छोई ऐसा ना हो मैनू सत्संग तो रुकावट हो गए। सारी संगत इस गल नू मद्देनजर रख के अरदास करो अपने प्रभु दे अगे ताकि मेरा जुत्ता मिल जावे। सारी संगत ने एक मन हो के श्रद्धा दे नाल जो अरदास करन दे ढंग हन तरीके हन उस तरीके से अरदास कीती। जदों एक मन होकर अरदास की खलकी होया, वो जुत्ता जो गुम सी दूसरे जुत्ते दे मुकाबले च पिया देखिया गया। इउं दस दिन मिल साध संगत आराध्या जोड़ी जुड़ी खिड़ाम प्रणाम, जोड़ी जुड़ी खिड़ाम
साध संगत आराध्या जोड़ी जुड़ी खिड़ाम पुराणी, यानी वो जूता पहन के रानी घर आ गई। दिन दे वक्त राजा ने राणी ने पूछया, महाराणी ओ एक शख्स फलाना प्रेमी एक जूता मेरे वास्ते तेरे वास्ते लिया सी, मैं वो जूता वेखना चाहना। राणी ने पहन के दिखा दिता, बड़े गौन आज तकदा है। आप उठा के एक पांग लाया सी, वह भी जाके देखता है, वो भी उसी तरह हूबहू वैसा ही। कुछ समझ नहीं पैंदी, इत्थे अकल कम नहीं करती। अखीर राजा पूछण लग्या, मैं तेरा जूता उत्थों उठा लिया सी, सच दस ये किवें पाई, कितों तेनों दूसरा जूता मिलिया। राणी ने कहा, राजन सत्संग करया करो। सत्संग विचों चारे पदार्थ मिलते हैं, सारी हकीकत खोल के दसी। यूं सत्संग द्वारा अरदास कीती, अपने प्रभु दे अगे बेनती कीती, जूता मिल गया। तुसी भी सत्संग कीता करो, सत्संग दे विचों चारे पदार्थ मिलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होंदी है। अगर तुसी सत्संग करोगे, सारी प्रजा का भला होएगा, तुहाडा अपना भी भला होएगा। उस दिन तो राजा हरिचंद सत्संग करन लगा। सत्संग करते करते इतना धर्मात्मा होया, जिसकी बाबत तकरीब बहुत सारे ने दर्शन वगैरह भी देखे होने हैं, अपना सब कुछ ही कुर्बान करता। कि इसकी बाबत अगर लम्मा चौड़ा प्रसंग खोल के सुनाया जाए, बहुत वक्त की लोड़ है। इस करके कहते हैं वो पंडित गुरु नानक जी ने, महाराज सतयुग दे वाले राजे हरिचंद ने ऐसा धर्म कमाया, सारी अयोध्या ही सर्वलोक नूं लै गया सी। स्वयं ये तो सतयुग दे वेले होया। सो फिर त्रेते युग दे विच श्री रामचंद्र जी विष्णु दा अवतार सन, जिन्हां दा निमित रावण कुंभकर्ण आदि नूं मारना सी। सो ओ नाने इस पुरी दा उद्धार कीता, इउं लै गए। गुरु नानक जी ये वचन सुन के कहन लगे, हुण सारी दुनिया ही जा सकती है। उदों तां कल्ली अयोध्या ही गई, सारी दुनिया जा सकती है। तो पंडित हैरान हो के कहन लगे, ये कैसे? गुरु जी कहेंगे, परमेश्वर के भजन के बल करके। परमेश्वर के भजन सारिया शक्तियां हैं, जो कुछ चाहता वही कुछ मिल जाता है। इस करके गुरु जी ने उस मौके परमेश्वर के भजन की महिमा कथन की। हम सात संगत समय में देखो, समा अग्न इतों ये संकल्प शुरू किया जाएगा। हम रोज़ के स्वभाव के मुताबिक पहले आनंद साहब का पाठ करो, उस बाद गुरु स्तोत्र, बाद अरदास भी जुड़ो, फिर हुक्मनामा सुनो, प्रसाद लेके अगला प्रोग्राम सुन के फिर चाले पाने। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद प्या सुन मेरी मारी।